Hello students, good morning. Today I am going to teach nursery drawing. Please open your book, page number 4. Color the picture. यहाँ पे देखो, जोड़ करके आप पिक्चर दिया गया है और यहाँ पे उसकी केप है, उसमें हमें कलर फिल करना है. चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे कलर फिल करता है. यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ. पहले आपको इस तरह से पूरा राउंड कर लेना है. सर्कल पूरा करके फिर उसमें कलर फिल करना स्टार्ट करना है इस तरह से. इस तरह से आपको यहाँ तक पूरा सर्कल रेड कलर का करना है. आपको कोई दूसरा कलर यूज करना हो तो भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे मैं येलो कलर यूज करती हूँ. पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन है उसके बाजू में आपको पूरा येलो कलर का लाइन बनाना है. इस तरह से करते हैं तो फिर येलो कलर बाहर नहीं निकलेगा, इसके अंदर ही आपको कलर करना है. इस तरह से पूरा लाइन हो गया. अब कलर स्टार्ट करते हैं. इस तरह से आपको यहाँ तक येलो कलर फिल करना है. अब मैं ब्लू कलर लेती हूँ. जहां भी लाइन है वहां हमें उसके बाजू में दूसरी लाइन बनानी है. लाइन बनाने के बाद हम उसमें कलर फिल करेंगे. इस तरह से पूरी लाइन बन गई. अब हम उसमें कलर फिल करते हैं. आपको ध्यान रखना है ये ब्लैक कलर की लाइन है, उसके बाहर कलर ना निकले. इस तरह से आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है कलर. नेक्स्ट यहाँ पे मैं फिर से येलो कलर लेती हूँ. आपको कोई दूसरा कलर लेना हो तो भी आप ले सकते हैं. फिर से हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर की बाजू पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. देखो ये पूरा येलो कलर की लाइन बन गई. अब उसमें भी कलर करते हैं.
इस तरह से आपको पूरा यहाँ तक येलो कलर फिल करना है, या आपके जो भी फेवरेट कलर है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से रेड कलर लेती हूँ। पूरी लाइन बन गई। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको एकदम धीरे धीरे कलर चलाना है ताकि उसके लाइन के बाहर ना निकले। इस तरह से आपको यहाँ तक रेड कलर फिल करना है। आपको होमवर्क में क्या करना है, कंप्लीट पेज नंबर 4, इसमें आपको जोड़कर के में पूरा कलर फिल करना है। बाय स्टूडेंट्स।